मथुरा थाना हाईवे क्षेत्र मंडी चौराहे पर आज दो एटीएम फ्रॉडों ने रुखसार निवासी महेंद्र नगर और उसकी छोटी बहन को एटीएम से पैसे निकालने के दौरान गुमराह कर एटीएम कार्ड बदलकर अपना एटीएम कार्ड थमा दिया और वहां से दोनों एटीएम फ्रॉड निकल गए। जब महिला ने अपना एटीएम कार्ड को देखा तो वह कार्ड उसका नहीं था। कार्ड को बदल कर दोनों फ्रॉडों ने किसी और एटीएम से पीड़ित रुखसार के एटीएम कार्ड से 37,000 रुपए निकाल लिए। पैसे निकाल ले आई थी तो मैंने एक बार कार्ड लगाया था तो वो एक बार में 500 रुपये निकल गए थे। तो फिर तीन लड़के आ गए थे एटीएम के अंदर, तो बोले एक बार तुमने दोबारा लगाया था तो वो एटीएम काम मान नहीं रहा था। फिर तो बोला लाओ मैं निकलवाता हूँ, तो उसने निकाल एटीएम अपने मेरा अंदर डाला, डाल के लिए फिर दोबारा निकाला है, फिर उसने अपना एटीएम लगा दिया था, मेरा एटीएम चला गया। 35,000। आपको कैसे मालूम पड़ी? क्या घटना हुई है, क्या करो? ये घटना हुई है, मेरी बेटी बाजार से सामान खरीदने के लिए पैसा निकाल रही थी मंडी समिति महाराणा प्रताप चौराहा पे जो एटीएम है उनके सामने, उससे पैसा निकाल रही थी। तो पैसा निकालते समय एटीएम ने एक दो बार काम नहीं किया, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, तो बाहर दो तीन लड़के खड़े हुए थे, वो जबरन एटीएम में घुस गए, बोले बहन जी एटीएम आपका काम नहीं कर रहा है, हम लगा देते हैं इस एटीएम को। उन्होंने जबरन हाथ से एटीएम छीन कर और उसमें एटीएम बदल के और उस एटीएम में अपना फर्जी एटीएम लगा दिया और एटीएम लेके वो निकल गए। अब बेटी ने एटीएम चेक किया तो उस पर नाम नहीं था बेटी का, देखा तो वो मालूम पड़ी कि एटीएम को बदल के ले गए। मेरे पास सूचना की, मुझे फ़ोन किया और मेरी बेटी के जो शौहर हैं, हस्बैंड हैं, वो यूपी पुलिस में कार्यरत हैं, आगरा जनपद में तैनाती है, उनको सूचना दी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि पापा जी एटीएम फटाफट ब्लॉक कराइए। तो मैंने प्रयास किया, जब तक एटीएम ब्लॉक नहीं हो पाया तब तक वो सारे पैसे उसमें 37,000 रुपये थे वो सभी पैसे वहाँ से निकाल कर उन्होंने खाते को खाली कर दिया। कुल 333 रुपये उसमें छोड़े हैं। कितना रुपये निकले हैं सब कुल उसमें 35,000 रुपये है। आगे निवासी मैं महेंद्र नगर द्वारकेश नगर महेंद्र नगर मंडी समिति चौराहे पर रहता हूँ।